और हम हो सकता है कि विधानसभा का ये लास्ट मेरा टेन्योर हो, समय हो, लेकिन दर्द होता है कि एक तरफ कर्पूरी ठाकुर जी थे, रघुवंश बाबू थे, ये सब लोग जिस तरह से विरोध करते थे, आवाज का विरोध का तर्ज हम देखते हैं तो आकाश जमीन का फर्क होता है। पक्ष के जो साथी हैं और पक्ष के साथी हैं, हम लगभग 36 वर्ष बिहार विधानसभा के अनुभव के आधार पर आपसे कहते हैं, एक बार जब स्वर्गीय और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी विरोधी दल के नेता थे, तो आज माननीय तेजस्वी जी हैं उसी पर, वो भी बैठे थे, और किसी मुद्दा को लेकर के काफ़ी हंगामा हुआ, लोग बेल में भी आ गए थे। उस समय अध्यक्ष महोदय का आदेश हुआ कि अब ये लोग नहीं मानेंगे, इन लोगों को मार्शल आउट करो। उस समय बात सही है कि पुलिस नहीं बुलाई गई थी, मार्शल ही अपना काम किए थे। तो हमने ये देखा, एक अजीत सरकार के साथ के अलावे किसी माननीय सदस्य ने माननीय अध्यक्ष का जो आदेश था कि मार्शल आउट किया जाए, प्रतिकार नहीं किया। मार्शल लाते गए उनके नज़दीक और वो लोग सब अपना निकल गए, यहाँ से शांतिपूर्वक सब कुछ घट गया, सारी बातें हो गई। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज हो रहा है, हम कहा ना 36 वर्ष का कि माननीय अध्यक्ष के कुर्सी पर जाके लोग कोई नहीं बैठा था, विपक्ष के लोग, ये बात है और ये घटना यहाँ घटी। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि विरोध करना विरोधी दल का फर्ज है, लेकिन भारी सारी जो मर्यादाएं हैं उस मर्यादा को जरूर ध्यान में रखा जाना चाहिए। हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन दुख होता है इसलिए भी कि जो हमारी उम्र है और हम हो सकता है कि विधानसभा का ये लास्ट मेरा टेन्योर हो, समय हो, लेकिन दर्द होता है कि एक तरफ कर्पूरी ठाकुर जी थे, रघुवंश बाबू थे, ये सब लोग जिस तरह से विरोध करते थे, आवाज का विरोध का तर्ज हम देखते हैं तो आकाश जमीन का फर्क होता है। इसीलिए हम कहना चाहते हैं माननीय विरोधी दल के विधायकों को कि बात ऐसी होती है, वाक ऐसा है कि जिसके तहत सारी बातें हम कर सकते हैं। हम अपना बल को, जिसको मसल मतलब बल कहते हैं, वही यूटिलाइज कर दें। हम बहुत ज़्यादा चिघा रहे हैं, कुछ अपसाइड बातें करें, ये हम नहीं समझते हैं कि उचित होगा।